सो भैया पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं कि यहाँ पे आके प्रिपेयर होता है? पहले से कंप्लीट करके लाते हैं। ओके, और यहाँ आके अब तवे पे भैया यहाँ चेक करवा रहे हैं, चेक कीजिए आप लोग। और ये भैया की भाजी ऑलरेडी ले बता चुका हूँ, और ये आ गए हमारे लच्छेदार प्याज और उसके साथ में एक नींबू, ठीक है। और प्राइस क्या होगा भैया इसका? ₹50। और ये भैया ने यहाँ पे रख दिया अलग से हमको बटर, जो कि हमारी भाजी में रख दिया गया है। तो कैसे हो भाई लोग? आज हम लोग आ चुके थे रंजीत चौपाटी पे, जो कि लोकेटेड है नियर बाय अन्नपूर्णा तालाब। सो हम लोग यहाँ चुके थे, हम लोग को यहाँ पे दिख गई थी पाव भाजी, श्री बालाजी के नाम से भैया की शॉप है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं भैया सब बात। भैया कैसे हो भैया? बस बढ़िया भैया। भैया आपका नाम? अमित जेरिया भैया। अच्छा अमित भैया, अपनी शॉप कब से वैसे यहाँ पे? यहाँ पे तो 6 महीने से है। ओके, बाकी 12 साल से रंजीत हनुमान मंदिर के बाहर लगती थी सर। अच्छा, रंजीत हनुमान जो चौपाटी का नाम है, रंजीत चौपाटी, चौपाटी यहाँ शिफ्ट हो चुकी है जी, वो रंजीत बाबा के नाम से चौपाटी है। अच्छा अच्छा, तो 12 साल से वहाँ लगती थी, अभी 6 महीने से हमने यहाँ शिफ्ट हो गए। अच्छा, सो भैया हमारे पास जैसे क्या क्या होता है, जैसे आपने लिखा हुआ बटर पाव भाजी, तो इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती है हमारे पास? छोले टिकिया है, हॉट डॉग है, दावेली है, पाव भाजी है। और भैया एक चीज और, आपका टाइमिंग क्या होता है शॉप का यहाँ पे? ये 5 बजे से रात को 11:30-12 बजे तक रहता है। अच्छा, 11:30-12 बजे तक सारे दिन चालू होती है भैया? जी, 6-7 दिन चालू रहती है। अच्छा, सो भैया अभी आप एक काम कीजिए, आपके क्या स्पेशल चीज क्या सबसे अच्छी? जैसे मेरे को बटर पाव भाजी बहुत अच्छी लगी आपकी देखने में। बटर पाव भाजी भी खिलाएंगे, दावेली भी, ठीक है। सो भैया हम लोग अभी ट्राई करेंगे बटर पाव भाजी, ठीक है। सो चलिए भैया मैकिंग हम लोग दिखाते हैं। सो भैया ये क्या होता है हमारा? ये भाजी रहती है, शिमला, बटले, टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज का रहता है इसमें बघार। अच्छा अच्छा, तो भैया पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं कि यहाँ पे आके प्रिपेयर होता है? पहले से कंप्लीट करके लाते हैं। ओके, और यहाँ आके अब तवे पे भैया यहाँ चेक करवा रहे हैं, चेक कीजिए आप लोग। और ये भैया की भाजी ऑलरेडी बनी हुई रहती है, घर से बना के लाते हैं तवे पे करके। ओके, ये देखिए भैया यहाँ पे भैया का तवा है, उसके ऊपर भैया इसको गर्म करते रहते हैं, ठीक है। क्या बात है, साइज चेक कीजिए आप तवे का। एंड ये भैया के पाव है, भैया जो पाव होते हैं ये भी आप रेडीमेड ही होते हैं? जी रेडीमेड ही होते हैं, ऑर्डर से बनते हैं। और हम लोग क्या यूज कर रहे हैं इसमें? बटर। बटर किस चीज का होता है भैया? ये माइक्रोलाइट का बटर है। अच्छा, माइक्रोलाइट का बटर यूज करते हैं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं भैया ने बोल दिया कि आपको किसी और चीज का बटर खिलाएंगे, डायरेक्टली क्लेरिफाई है आपसे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे चेक कीजिए आप भैया का, यहीं पे कटिंग चल रहा है। एंड प्यारी सी काट देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड आपको यहाँ पे ना सिटिंग के लिए एरिया भी मिल जाएगा बाहर, यहाँ पर भैया ने बना रखा है। सो सम पर्सन्स फॉर सिटेड, थोड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो बड़ा प्यारा सा टाइम है, अभी बज रही 7:30 बजे का टाइम है एंड हम लोग भी आ चुके हैं। तो ये हमारे यहाँ पे पाव जो पूरे सिक चुके हैं एंड हमारी यहाँ पर लगने जा रही भाजी। तो यहाँ पे बाउल में भैया भाजी लेते हैं, ठीक है। ये आ गई हमारी भाजी और वो उधर हमारा प्लेटर रेडी हो रहा है। और ये चले गए हमारा पाव जो कि बटर में था, ठीक है। यहाँ पे अमूल बटर का कहीं यूज़ नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल क्लियरिफाई है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये आ गए हमारे लच्छेदार प्याज और उसके साथ में एक नींबू, ठीक है। और प्राइस क्या होगा भैया इसका? ₹50। और ये भैया ने यहाँ पे रख दिया अलग से हमको बटर, जो कि हमारी भाजी में रख दिया गया है। सो चेक कीजिए आप लोग, क्या बात है, 50 रुपीज की प्लेट है। और भैया अलग से हमें भाजी लगती है तो उसके लिए कोई चार्ज? जी 20 रुपए है एक्स्ट्रा, 20 रुपए भाजी का एक्स्ट्रा चार्ज है और पाव का 20 रुपए बोथ ऑफ देम। फाइनली हमारी पाव भाजी आ चुकी है, देखा था आप लोगों ने, भैया ने बटर दे दिया था हमको स्पून में अलग से एडिशनल, कि क्या होता है ना कुछ कुछ लोगों को बटर अच्छा नहीं लगता है सो वो मना कर देते हैं, तो हम लोगों ने तो ले लिया था। एंड यहाँ पे हमारे पाव आप लोग देख सकते हो पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे सिके हुए थे एंड उसके अंदर बटर लगा दिया था भैया ने। और उसके बाद हमारे लच्छेदार प्याज और ये हमारा नींबू, ठीक है। सो देखते हैं, चलिए लेते हैं फर्स्ट बाइट। एंड आप लोग समझ सकते हैं बटर पाव भाजी, लाइक बटर तो मुझे बहुत ही पसंद है। सो फर्स्ट बाइट लेता हूँ मैं, और ये हमारा जो बटर है वो अलग से आप लोग देख सकते हो ऊपर से है ना, और इसमें जो सब्जियां हैं उसको बिल्कुल मैश कर दी गई है, बिल्कुल पतली पतली सी, ठीक है। लाइक जो हमारी भाजी थी वो मुंह में रखते से घुल रही है, लाइक मैं आपको टेस्ट करके समझाऊंगा कि हल्का सा हमको ना इसमें मतलब जो तीखापन है वो आ रहा है और साथ में बटर का जो टेस्ट है उसके कारण ना इसका बहुत ज़्यादा अल्टीमेट बन रहा है। लाइक हमने पाव भाजी बहुत सारी जगह खाई है, कुछ लोग क्या करते हैं अननेसेसरी उसके अंदर इतना बटर डाल देते हैं कि वो पाव भाजी कम बटर भाजी ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाजी लग रही है, पाव भी है, प्लस बटर उतना लिमिटेड है जितना उसको होना चाहिए। तो मैं इसको बोलूँगा कि बहुत अच्छी क्वान्टिटी में बनाया, क्वालिटी भी अच्छी है, क्वान्टिटी भी अच्छी है, 50 रुपीज़ में। सो आप लोग आओ एंड एन्जॉय करो, एंड हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।